हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। गुम है किसी के प्यार में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पाक ही जा चुकी है अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर, और ऐसे में आने वाली है पीटीएम के दिन, और पीटीएम के दिन होगा विनायक का बुरा हाल। ऐसे में वो अपनी एंजल को याद करेगा और उसकी एंजल उसके लिए सब कुछ ठीक करने के लिए उठाएगी बड़ा कदम, लेकिन हो जाएगी एक गलती। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले, अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आपको बता दें कि गुम है किसी के प्यार में गुम होने वाले हैं विनायक की माता यानी पाखी पत्रलेखा। ऐसे में जब पीटीएम में पहुँचेगा विराट, तो सबसे पहले तो उसे लानी होगी विनायक के लिए एक माँ। उसके बाद टीचर के सामने भी होने वाली है बड़ी बेइज्जती। आपको बता दें कि विनायक के साथ जाती है सई, और सई के साथ जाता है सत्या, डॉक्टर सत्या, सई के पति। यानी सई बनती है उसकी माँ और विराट बनता है पिता, और जाते हैं उसके साथ पीटीएम में। लेकिन वहाँ पर टीचर बताते हैं कि कितनी बुरी परफॉर्मेंस है विनायक की। इतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा डांटते भी हैं। कहते हैं कि इसकी माँ पत्रलेखा कहाँ है। जब बताता है विनायक कि मेरी माँ पापा की वजह से हमें छोड़कर जा चुकी है, हमारी माँ से पापा ने डाइवोर्स की बात की थी और पापा की वजह से मम्मा हमें छोड़कर चली गई है। जिसके बाद टीचर डांटते हुए कहते हैं कि भाई, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी वजह से आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ऐसे में उसके बाद टीचर कहते हैं कि विनायक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पुअर है, साथ ही उसकी मेंटल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ का असर उसकी ज़िंदगी में डाल रहे हैं उसकी चिंता किए बिना। दोस्तों, आपको बता दें कि टीचर के सामने सई और विराज काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोल पाएँ, लेकिन टीचर उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। कहता है कि आपकी पर्सनल लाइफ आपके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया है ये बिना सोचे कि वो आपके बच्चों की माँ भी है। वहीं सई भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विनायक के लिए एक बार फिर से सई का आना जाना और विराट से मिलना होने वाला है शालू? आपको जो भी लगता है, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।